नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 22 फरवरी के सुबह 11 बजे से जी हाँ दोस्तों, यह समय से आपके जीवन काल में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से दो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय मंगलवार का दिन होगा, यानी महाबली हनुमान जी का दिन होगा और यह समय हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं स्वयं पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह समय भी आपके जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होंगे और कुछ ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं, जिनसे आपका समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाबली हनुमान जी अपने भक्तों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया कार्य करते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार करते हैं जिनसे उसका आत्मबल बढ़ते हैं और यश में भी आपको कुछ ऐसे ही शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, जिन्हें जानकर आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। आपका दिल खुशी से झूमने वाले हैं। आपके घर परिवार में यश में खुशियों का माहौल रहेगा। समाज में भी आपको मान सम्मान और इज्जत पर प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि यश में प्रत्येक क्षेत्र में आपको बहुत सारे अच्छे विचार, अच्छी कामयाबी और अच्छी अच्छी सफलताएं मिलने वाली है। जी दोस्तों, तो दोस्तों समय और ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में अंतराल में आपको किन क्षेत्रों में लाभ होंगे, कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाली है, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय संकट मोचन लिखेगा, गुरु जी का और महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिलने से इसमें आपको राहत और सुकून मिलेगा। यश में भावुकता के बजाय व्यवहारिक तरीके से अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम दें। कुछ प्रभावशाली लोगों का साथ आपके दोस्ताना संबंध बनेंगे तथा आपके व्यक्तित्व में और अधिक सकारात्मकता यश में आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में और अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक विचार ना उपजने दें। अगर कोई कोर्ट से संबंधित मसला चल रहा है तो दोस्तों यश में बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों परेशानियों का समाधान तो आपको प्राप्त हुआ है, फिर भी दोस्तों पूरी तरह से तकलीफ दूर नहीं हुई है, इसलिए निराश न होकर अपने प्रयत्न जारी रखें। केवल मित्र का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए दोस्तों जो लोग आपको मदद करने में सक्षम हैं उनके साथ ही अपनी समस्याओं को शेयर करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप अपनी कार्यकुशलता द्वारा हल निकालने का प्रयास करेंगे और उनमें सफल भी रहेंगे तथा कुछ समय से चल रही समस्या का उचित समाधान भी आपको प्राप्त होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदारों के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का प्रोग्राम भी यश में बन सकता है। कभी कभी अत्यधिक विश्वास आपको नुकसान दे सकता है, तो दोस्तों यश में योजनाएं बनाने के साथ साथ कार्य रूप देना भी आपके लिए आवश्यक होगा। बच्चों की किसी परेशानी में उनका मार्गदर्शन करना उनके मनोबल को बढ़ाएगा, तो दोस्तों यश में उन पर आप जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में कई सारी बातें से संबंधित अचानक से समस्याएं बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको किसी भी विषय में निर्णय ले पाना कठिन लग सकता है। दोस्तों आपके बढ़ते कन्फ्यूजन के कारण करीबी व्यक्ति पर भी विश्वास रख पाना आपके लिए मुश्किल होगा। परिवार और पैसे से संबंधित बड़े निर्णय यश में आपको नहीं लेना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि संतान के करियर से संबंधित विशेष कार्रवाई शुरू होने से आपको राहत भी प्राप्त होगा। पिता या फिर पिता समान
व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए भाग्यदायक कारक रहेगा। हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करते जाएं, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार में कोई नकारात्मक पुराने मसले यश में फिर से उठ सकते हैं। यश में बहुत अधिक धैर्य और संयम रखने की जरूरत होगी। दोस्तों यश में आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि जब भी कठिनाइयाँ आती है आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आपका तनाव थोड़ा कम होता है, लेकिन दोस्तों समस्या का हल आप अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। परिस्थिति का सामना यश में आपको करना सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी सफल रखेगा। भाइयों के साथ चल रहे मतभेद इसमें समाप्त होंगे तथा संबंधों में पुनः मधुरता आने वाली है। बच्चों की किलकारी से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से घर में भी प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा। किसी नजदीकी संबंध के वैवाहिक जीवन में परेशानी आने से चिंता भी आपको रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि गुस्से की अपेक्षा धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें, जिससे दोस्तों आप अच्छे परिणाम को हासिल कर पाएंगे। बच्चे की गतिविधियों पर भी आपको इसमें नजर रखना चाहिए। दोस्तों इन सभी चीज़ों पर आपको इसमें गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना यश में पड़ सकता है। परिस्थिति आपके पक्ष में ना होने के बावजूद भी आप अपनी नाराजगी को खुलकर नहीं दिखाएंगे। अपने नेतृत्व गुण को दिखाने का अवसर भी इसमें आपको प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि आपके द्वारा लिए गए जो भी निर्णय हैं उनके परिणाम आपके लिए बहुत ही जागरूकता महसूस करवाएगी। और उसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में बिल्डर व फिर प्रॉपर्टी डीलर उचित मुनाफा कमाएंगे। परंतु दोस्तों यश में बाहरी गतिविधियों और संपर्क सूत्रों से किसी भी प्रकार की व्यापारिक अनुबंध ना करें, क्योंकि दोस्तों धोखाधड़ी हो सकती है। युवा वर्ग भी अपने करियर के प्रति जो है गंभीरता से कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में बिजनेस के नज़रिए से समय बहुत ही अनुकूल है। आपके काम स्वतः ही बनते जाएंगे, किसी प्रकार की कॉम्पिटिशन का सामना भी यश में आपको करना पड़ सकता है, परंतु थोड़ी सी सावधानी रखने से आप यश में सफल भी रहेंगे। आपको बता दें कि यश में नौकरी करने वाले लोग बिजनेस करने के लिए प्रयत्न भी करना शुरू कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। यश में लाभदायक परिस्थितियाँ आपके ऊपर दस्तक दे रही है, परंतु अत्यधिक मेहनत करने की यश में आपको जरूरत होगी। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों को यश में दूर ही रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी परेशानी में पारिवारिक वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों यश में बड़े बुजुर्गों का सलाह लेना आप बिल्कुल ना भूलें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में व्यवसाय में मेहनत के अनुरूप आपको उचित परिणाम भी प्राप्त होगा। सभी गतिविधियाँ सुचारू रूप से पूरी होती जाएंगी। अपनी योजनाओं को जो है अपने तक ही सीमित रखें। दोस्तों यश में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऑफिस का माहौल भी यश में किसी प्रकार की राजनीति से आपको परेशानी दे सकती है, तो दोस्तों यश में इनसे बचने का प्रयास करें। दोस्तों ये आपके करियर के लिए इसमें बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी इसमें नजदीकी आने वाली है तथा यह संबंध मर्यादित भी रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में किसी महत्वपूर्ण विषय में पार्टनर अचानक से आपका साथ भी छोड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यश में प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिलने में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती है। यश में धैर्य रखना आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर की किसी समस्या को लेकर पति पत्नी के कुछ तनाव रह सकता है। प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा।
तो दोस्तों यश में अपने जीवन साथी पर आपको विश्वास करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में वैवाहिक जीवन तो सामान्य रहेगा, प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों यश में इन सब चीज़ों पर आपको गौर करना चाहिए। अपने जीवन साथी पर आपको यश में शक नहीं करना चाहिए। अपने रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय को परिवार द्वारा सहमति मिल पाने के लिए आपको प्रयत्न बढ़ाने होंगे और आपको यश में सफलता इनमें मिलेगी। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों यश में आपको जो आत्मबल है उनमें कमी आ सकती है। शारीरिक कमजोरी भी आप इनमें महसूस करेंगे। योगा और मेडिटेशन करें तथा प्रकृति के सानिध्य में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें अति आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि थकान की वजह से पैरों में सूजन और दर्द की समस्या रहेगी। समय समय पर आराम करना भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें। थायराइड अथवा हार्मोन से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, अपनी जांच इसमें आप अवश्य करवाएं। जो भी इनसे पीड़ित व्यक्ति हैं अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। उसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, थकान की वजह से आपके मांसपेशियों में दर्द व फिर खिंचाव रह सकता है। दोस्तों आप यश में व्यायाम और मेडिटेशन पर जरूर समय दें। दोस्तों ये आपके उत्तम इलाज होगा।